तो आज के वीडियो की शुरुआत मैंने आज यहाँ से करी है। आज हमारा ट्रैक बना हुआ है अनोखी टू कालीजानी, जो कि हमारा इधर अपने गुजौरा के नियर पास में पड़ता है। तो हम थोड़ा आगे आ गए थे, हमारे जो देवता हैं जो अभी पीछे से आएंगे, तो हम देवली के लिए जा रहे हैं। देवली का मतलब ऐसा है कि जैसे कुछ किसी दूसरे गांव के जो लोग हैं, जो हमारा देवता है, हमारे गांव का देवता है, उसको इनवाइट किया हुआ है। तो उस इनवाइट में हम जितने भी लोग श्रद्धालु होते हैं देवता के साथ जाते हैं। तो हम थोड़ा जैसा आगे आ गए थे, तो मैंने आज का वीडियो अपना यहाँ पर स्टार्ट करा है। धूप थोड़ी फेस पर पड़ रही है, तो मैं अपना फ्रंट कैमरा ऑन नहीं किया, फेस नहीं लाया अपना। तो साथ में जो सीनरी है यहाँ दिख रही है उसको दिखाते दिखाते मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज भी दोस्तों हम जाएंगे जो बुजौरा से ऊपर लोकेशन है, जगह का नाम कालीजानी है। जाएंगे वहाँ पे, देखेंगे जगह कैसी है। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और सामने देखिए बैठे हैं। और ये जो वाला रास्ता दिख रहा है आपको, ये दरअसल झूला है जो कि लोग इधर से उधर जाने के लिए यूज़ करते हैं। बीच में दरिया बह रही है जो है हमारी ब्यास नदी, और ऊपर से झूला बनाया हुआ है जो लोग आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। अभी यहाँ पे पुल नहीं लगा है, और आसपास नज़ारा कुछ और कुछ एक लोग शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, धूप थोड़ी कैमरे के ऊपर पड़ रही हुई है। और जो मेरे साथ और भी मेरे दोस्त साथ आए हुए हैं, मैं थोड़ा वीडियो शूट करने के लिए जहाँ हमने गाड़ी पार्क की हुई है वहाँ से थोड़ा आगे जैसे आ गया था वीडियो बनाने के लिए, तो वो सब लोग उधर उस गाड़ी में बैठे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, गाड़ी में हम कम से कम 8-10 लोग होंगे। हम जाएंगे आज, मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारे देवली जो होती है वो कैसी होती है, जो हमारा हिमाचली ट्रेडिशन है उसमें देवली कैसे मनाते हैं लोग, देवतों को इन्वाइट करके जो भी। और ये गाड़ी लाई है हमने जिसमें हम जाएंगे, और जो भी मेरे साथ दोस्त आए हैं मेरे सब इधर बैठे हैं और कार्ड प्ले कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। कुछ आगे बैठे हैं और कुछ लोग पीछे कार्ड प्ले कर रहे हैं। तो देवता का वेट करते करते थोड़ा इधर मनोरंजन कर रहे हैं जो मेरे साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं। कट्टे देखिए इनके, कौन सी गेम खेल रहे हैं भाई? दस पत्ती खेल रहे हैं। और इस जो गेम खेल रहे हैं उसको रमी कहा जाता है। और ये हमारे चाचा जी का नाम मियाँ, जो भी हमारे साथ जा रहे हैं। अभी अभी इनका इनकी शादी हुई है, आफ्टर 3-4 महीने हो गए होंगे, छः महीने हो गए, 6 महीने हो गए। तो काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ आज देवली में जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया जो देवली होती है उसका अर्थ क्या है, मीनिंग्स क्या है, तो आज जाएंगे हम सब लोग देवली इंजॉय करेंगे। और भी काफ़ी है जो उनको मिलेंगे जहाँ हम प्लेस पे जाएंगे। और जो जगह का नाम है कालीजानी है, मैंने बताया था आपको, बिल्कुल ब्लैक डार्क ब्लैक जिस हिसाब से उसका नाम रखा हुआ है, जानी मतलब कि वो पत्थर जो होते हैं, जानी कहा जाता है, जस्ट लाइक दैट। जो जाएंगे हम पूछेंगे वहाँ पे जो गांव का नाम पड़ा हुआ है कालीजानी, तो उसका किस तरह नाम पड़ा है, क्या पता किसी की जानी हो सकती, जानी है ना, हो सकता है। चलते हैं फिर दोस्तों, जब हम जाएंगे देवता आएगा तो मैं तो दोस्तों निकल पड़े हम, थोड़ा आगे जाएंगे और तक वहाँ पे करेंगे देवता का वेट। चलते फिर ऑट। तो फाइनली हम पहुंच गए ऑटो में, और कुछ एक साथी मेरे इस गाड़ी में आए हुए हैं जो कि ऑल्टो में बैठे हैं। ये अपना पुत्र रोहित, ये अपने भाई जी। और भाई ठीक ठाक है, आगे ही निकल गए हैं, मेरे को बोला था कि ये ब्लडर भाई ठीक ठाक है, अच्छा तब आगे निकल आए। और कितने बंदे हैं? शेव सुबह है, मतलब मैं अभी थोड़ा बना लूं, है ठीक है, बाइक अनोखी मेरा है, ट्रैक्स में अपनी ट्रैक्स से पीछे लगी है।
कुछ साथी दोस्तों हमको यहाँ पे मिले, बाकी सब बुजौरा में मिलेंगे, तो जब चलेंगे तो बताऊंगा मैं आपको। ओके, तो हम इधर रुके हैं दोस्तों बनारसा में, और यहाँ पे कुछ चाय का प्रबंध किया हुआ है देवता के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए। और ये हमारे जे स्टार जो कि इधर से जा रहे हैं, कुछ लोग इसके साथ हैं ये भी रुकेंगे यहाँ पे चाय पीने के लिए। दोस्तों ये आ रहे हैं जो भी श्रद्धालु हैं देवता के साथ, पीछे से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं सभी गाड़ियों में जो भी लोग देवता के साथ आए हैं भरे पड़े हैं। और तीसरी वाली गाड़ी पे हमारे जो देवता हैं वो रखा है उन्होंने वहाँ पे, ये सब लोग और जो बाजा वगैरह जो भी बजाते हैं ये लोग हैं यहाँ पे बाजा वगैरह बजा रहे हैं। और दोबारा से मुलाकात हमारे इंद्र सिंह भाई के साथ और राजू और अपने मस्ती अपने हिम भाई, ये देवता चलेंगे इस गाड़ी में आगे, तो देवता के पीछे पीछे चलेंगे हम जहाँ भी जाएंगे। और काफी लोग आए हुए हैं देवता के साथ, पीछे तक देख रहे होंगे आप, तीन चार गाड़ियाँ भर के आई हुई हैं जो भी जीप पे हैं। ये अपने बलदेव और अपने रामलाल, और हमारे जय सिंह भाई महाराज भाई ठीक ठाक है, नमस्ते 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 महाराज भाई ठाक है, ठीक है बढ़िया है। काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है आपसे और भाई जी से भी काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है हमारे जो है मालिक सूरज सनपाल, और ये देवता को रखा हुआ इधर, और अभी चाय वगैरह जो भी है भोग वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे रखा हुआ है सिस्टम। और थोड़ा नज़दीक से दिखा रहा हूँ मैं आपको जो हमारे देवता हैं उनका दृश्य, सूरज सनपाल सब लोग आए हुए इधर, ये अपने दीनानाथ भंडारी जी जो कि हमारे देवता के पटौल हैं, और मनोहर लाल जी मुख्य धामी मनोहर लाल जी मुख्य धामी ये भी जी हमारे चाचा जी, और पीछे बोलू ये भी नहीं मैं से एक है मुख्य और देवता का कुछ नज़ारा इस तरह। और मैं जीप के ऊपर चढ़ा हुआ था दिखाने के लिए, साइड से दिखाता हूँ आपको यहाँ से। और आदित्य जो कि हमको चाय बांटेंगे आज इसके तरफ से चाय दे रहे हैं देवता को, है ना आदित्य, ठंडी गर्म चाय गर्म गर्म गर्म। और अपने सोहनलाल भाई जी इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर, और ये भी हमारे साथ जाएंगे, क्यों सुन भाई जाएंगे देवली एंजॉय करेंगे बढ़िया से। रामलाल रामलाल इधर सर्व कर रहे हैं स्नैक्स जो भी है बनाया हुआ हलवा, ये चाय मैंने भी पकड़ ली है, इस तरह का कुछ स्नैक्स हलवा है। और दोस्तों हम चल पड़े क्योंकि जिस गाड़ी में मैं आया था उनको थोड़ा जल्दी है आगे जाने के लिए, अब देवता थोड़ा पीछे रह गए, सब लोग है जो भी है गर्म चाय पी रहे हैं। हमारे कुछ गोबर लोग घटिया इंसान, कुछ लोग इस गाड़ी में आए हैं उर्फ जे स्टार, हाँ हाँ भीम सेन जी अपने, ए केशव जी, ए गिरधारी लाल, ए केशव भैया, और कौन, ए घटिया इंसान माधर चौध जे स्टार, ठीक है ठीक है बढ़िया ना। तो आज जा रहे हैं देवता के साथ जे स्टार, आज करेंगे एंजॉय देवड़ी फुल पावर जाएंगे। और ये गोबर उर्फ लत्तू, तू का आया हुआ देवड़ी में है, छोटे बच्चे अलाउड नहीं होते देवड़ी लावड़ी में, बंदी बिठाने, अच्छा ए गोबर अपनी घटिया शक्ल छुपा रहा है, तू आया का ही को छोटे बच्चे लाउड नहीं है देवड़ी में, बता किस लिए आया है, दोबारा बोल बंदी बिठाने आया है। और सब लोग जो कि जाएंगे ए जे स्टार उर्फ गोबर जे स्टार जो कि उस्ताद है इस गाड़ी के, और कभी भी आपको टैक्सी चाहिए। चल पड़े अब दोस्तों आगे,
फोर लाइन का नजारा, ऊपर आपको क्लाउड दिख रहे होंगे, खूबसूरत लग रहा है। हमसे आगे हमारे कुछ और साथी भी चले गए हैं। पुलिस वालों ने दोस्तों यहाँ पे रोक लिया है कि आगे ट्रैफिक लगा हुआ है कहीं, तो यहाँ से थोड़ा जैसा आगे जाएंगे हम, कहीं गाड़ी पार्क करेंगे। इस गाड़ी वाले को पुलिस वाले ने पीछे करवा दिया। अकेले भाई, तो चलते दोस्तों कुछ खाते हैं, भूख बहुत ज्यादा लगी हुई है। देखते हैं कोई शॉप, मोमोज तुक्का कुछ खाते हैं। और जो हमारे साथ ही लोग आए, उनकी गाड़ी भी पुलिस वाले ने रोक ली है, पूछ रहे हैं इनको कहाँ जा रहे हैं। चल लगा वाले सीट बेल्ट। ये हमारे सर अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं, चेक कर रहे हैं जो भी यहाँ से गाड़ियाँ जा रही हैं, चेक कर रहे हैं सबका लाइसेंस, चेक कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं कि गाड़ी जे स्टार के नाम है या नहीं, चुरा कितने लाई है। किस नाम है गाड़ी? मेरे नाम से। किस नाम से? फुल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे सर। करिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। चाचा जी ने हमारे इधर सूप थोड़ा सा लिया है। नॉन वेज सूप है। कौन सा सूप है आंटी? हड्डी वाला ना, जो बकरे के गोटे होते हैं उनकी हड्डियों का सूप बनाया हुआ। किसका? टुंडी। अच्छा, टुंडी का सूप जो है इधर पी रहे हैं। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा टेस्ट करूंगा कैसा है, करते अभी। अच्छा सही है। अच्छा दोस्तों, और दोस्तों देवता थोड़ा आगे निकल गए हमसे, हम यहाँ कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं इनके पीछे पीछे, मिलते हैं फिर लोकेशन पे जहाँ देवता जा रहा है। तो चल पड़े हम, और जो हमने स्नैक्स लाया है साथ में खाने के लिए, उसको कहीं अच्छी सी लोकेशन पे बैठ के सब शेयर करके खाएंगे। और इस तरह का नज़ारा, तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए लोकेशन पे। ये अपने यशपाल जी उर्फ लाला जी। हेलो सर। और सर ठीक ठाक है? बढ़िया है, बस बढ़िया है, बढ़िया है। यहाँ पे देवता पहुंच गए, यहाँ से शायद उस घर में जाएंगे हम, और काली जानी लोकेशन इस तरह है कुछ। ये दोस्तों काली जानी का बोर्ड लगा हुआ है, 0। काली जानी में हम पहुंच गए हैं। ये मेरे कुछ दोस्त खड़े हैं यहाँ पे, देवता सामने से जा रहे हैं, हम थोड़ा पीछे हैं, मैं भी जाऊंगा अब आगे आगे, चलते परे। हेलो। और ये बल्लू भोसड़ी वाला और इंद्र सिंह भाई, दोबारा से आपसे मुलाकात। फिर कैसा लग रहा है आपको काली जानी में आके? जगह का नाम ही कुछ ऐसा रखा हुआ है ना, लगता है कि जगह का नाम पहाड़ों को देख के रखा हुआ है, चारों तरफ काले काले पहाड़, जानी ही जानी है, तभी जगह का नाम काली जानी पड़ा है इंद्र सिंह भाई। दोस्तों जहाँ पे देवता को इनवाइट किया वहाँ पे जा रहे हूँ अपने बलू भाई के साथ। ज्यादातर मैं इसको पता नहीं मादर चौथ बोलता रहता हूँ। मेरा जिगरी यार है, लंगोटिया यार है मेरे, और इसके बीच में चलता है। तो चलते हैं परे दोस्तों, दिखाते हैं आपको। दादा जी खड़े खड़े थक गए, बैठ के अब बीड़ी पी रहे हैं। घर के वहां पहुंच गए हैं, अब जा रहे हैं आगे, भीड़ भी काफी ज्यादा है, तो चलते हैं धीरे धीरे आगे। और इस तरह देवता का स्वागत हो रहा है। इस तरह का नजारा कुछ ऊपर, मेरी आवाज आपको कम सुनाई दे रही होगी। हम घर में पहुंच गए हैं, यहाँ पे
दोबारा से सोनलाल भाई के साथ मुलाकात। ये क्या उठाया भाई जी आपने? अच्छा अच्छा, आपने इसको उठा के रखा हुआ है, मतलब ये जो आसन है जिसके ऊपर देवता बैठेंगे, ये है जो सोनलाल भाई अपने। चाचा जी जो कि देवता के साथ आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। रामलाल दोबारा से अखरोट खा रहा है, और देवता जो भी था घर में कार्रवाई जो भी था इनका कर लिया है। अखरोट फेंके मेरे ऊपर, पर मैं आपको वीडियो मैं नहीं बताया, लग गया था मेरे को आंख में। प्रेम सिंह डिनर का टाइम हो गया है, खाना खा रहे हैं सब लोग, बैठे हैं इंद्र सिंह भाई बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं इधर से खाना खुना खाते हैं उसके बाद। रात को डिनर में अभी पहला डिश जो है चना मिला है, चने के साथ चपाती जो कि अभी आ रही है, खाएंगे टेस्ट करेंगे देखते हैं कैसा बना है। तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं पे स्टॉप, अब रात बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, सोते हैं, तो गुड बाय, गुड नाइट।